नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, देश में गीता प्रेस नाम की जो प्रकाशन संस्था है 1923 में स्थापित हुई, 100 बरस हो गए उस संस्था को, और निस्वार्थ भाव से बिना लॉस बिना प्रॉफिट के वो संस्था बहुत ही सस्ते मूल्य पर, सस्ते दामों पर अमीर गरीब सभी को सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य उपलब्ध करा रही है। संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जालान साहब और जयदयाल गोविंदका जी ने इसको स्थापित किया था। खासियत यह है संस्था की, ना तो वो किसी से दान लेते हैं और सस्ते दामों पर हमेशा उपलब्ध कराते हैं, और ना ही गांधी जी के कहने पर आज तक उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, पुस्तिकाओं में या पुस्तकों में या ग्रंथों में कोई विज्ञापन लिया है। कांग्रेस को इस पर ऐतराज हुआ कि इस संस्था को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा क्यों की गई, गांधी जी का संबंधित, गांधी जी के नाम से संबंधित जो पुरस्कार है वो देने की क्यों घोषणा की गई। इस पर बातचीत के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर इस बारे में और खुलासा लेते हैं। आचार्य जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य जी, ये बताइए कि एक संस्था जो बड़ा पुनीत काम कर रही है, क्योंकि आप धर्म के जगत से भी जुड़े हुए हैं, आचार्य आपके नाम के साथ लगा है, एक संस्था जो सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तिकाओं का निस्वार्थ भाव से बिना लाभ हानि के वो कर रही है, ऐतराज क्या है कांग्रेस को ऐसे में अगर वो गांधी जी के नाम से जो पुरस्कार है वो दिया जाए तो? देखिए नरेश जी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और धर्म से जुड़े किसी भी संस्थान का, किसी भी प्रतिष्ठान का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कांग्रेस कभी किसी भी धर्म को मानने वाले ऐसे संस्थान का कभी विरोध नहीं करती है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हो, नंबर एक। नंबर टू, गीता प्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस हमेशा गीता प्रेस का आदर करती है, कांग्रेस ने हमेशा गीता प्रेस की सराहना की है। यहां तक कि अभी पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी गोरखपुर में गीता प्रेस की विजिट की थी, उन्होंने वहां पर वो गए थे। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता के बयान का, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में किसी भी एक नेता के बयान को कांग्रेस का बयान समझ लेना उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में बोलने की आजादी है, आंतरिक लोकतंत्र है। जैसे पंडित नेहरू के समय में भी कई बार कई मुद्दों पर सरदार पटेल जी की राय विभिन्न अलग होती थी, ऐसे ही इंदिरा जी के समय भी कई ऐसे नेता थे। आचार्य जी, मैं थोड़ा एक मिनट रुकूंगा आपको। आप कह रहे हैं दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि ये उनकी निजी राय है। अगर निजी राय है तो फिर कांग्रेस के कार्यालय के जो ऑफिस में आकर प्रवक्ता के रूप में मनीष तिवारी जी ने कहा कि ना तो मैं जो उन्होंने बयान दिया जयराम रमेश ने, ना तो उसको घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा, तो अगर खंडन क्यों नहीं किया गया फिर? हाँ, लेकिन उनके ट्वीट को, उनके बयान को कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से भी रीट्वीट और सपोर्ट नहीं किया गया। पर खंडन तो करना चाहिए, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि वो उनकी निजी राय है। अब नरेश जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कांग्रेस में जयराम जी बड़े नेता हैं, नो डाउट, वो राज्यसभा में भी हैं और बड़े नेता हैं और जिम्मेदारी के पद पे हैं, तो उनका एक बयान है कि जो गीता प्रेस को का विरोध माना जा रहा है। आपने खुद ही कह दिया कि वो कांग्रेस के बड़े नेता, तो फिर इसको कांग्रेस का बयान क्यों ना मान लिया? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी अधिकार है कि मैं गीता प्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, तो आप मेरे बयान को क्यों नहीं कांग्रेस का बयान मानते? आपके बयान को भी मान लेते हैं, आपकी इस बात को मैं बड़ा हैरानी से सुन रहा हूँ। आपने कहा कि जब चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी जी खुद गीता प्रेस के कार्यालय गई थी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो गीता प्रेस को स्वयं महत्व देती हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का समान आदर करती है, पहली बात। दूसरे, जहां तक गीता प्रेस का सवाल है, तो फिर सर विरोध क्यों? अगर वो खुद इतना महत्व देती है तो उसको पुरस्कार दिए जाने का विरोध क्यों? देखिए, मत भिन्नता जो है वो तो होना चाहिए ना, लोकतंत्र का सौंदर्य है मत भिन्नता। पार्टी के भीतर लोकतंत्र है कांग्रेस में, कांग्रेस में कोई इमरजेंसी लागू तो है नहीं अंदर के बोल। अच्छा, ये तो आप आम दुनिया कह रही है कि
महात्मा गांधी जी के पोद्दार साहब के साथ रिश्ते थे और कल्याण की मासिक पत्रिका जो थी उसमें भी वो लिखते थे। क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा एक वो देता हूँ, एक मेरे पास घटना है। मैं खुद छोटा सा था तो मेरे बुजुर्ग तब से वो जब मेरे जन्म से पहले भी वो लिया करते थे, कल्याण मासिक पत्रिका हमारे घर में लगी थी और उसके विशेषांक शायद मैं छोटा सा था मैंने देखा 1964-66 के मेरे पास थे। उसके एक वार्षिकांक में मैंने देखा एक पेज पर जो चित्र होते हैं उनके उसमें ब्लैक एंड व्हाइट चित्र पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र हाथ में माला लिए छपा हुआ था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि सुबह स्नान के बाद पंडित जी गायत्री मंत्र की एक माला करते हैं और शीर्षासन करते हैं। और दूसरे पेज पर माँ आनंदमयी के साथ उनकी फोटो छपी हुई थी। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, नेहरू जी के बारे में भी लिखा गया था उसके बारे में। तब फिर जरा हैरानी होती है कि इनके जो वंशज हैं वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा आरती करते हैं और वो उस तरह से फिर विरोध करते हैं, तो फिर बीजेपी को कहने का मौका मिल जाता है कि ये पाखंड हो रहा है। देखिए नरेश जी, आप ना अगर चीजों को एक ही नजरिए से देखेंगे तो मैंने देखा सर, मैं तो जनता का सवाल रख रहा हूँ। हाँ नहीं, एक नजरिए से देखेंगे तो हमें बुराई नजर आएगी, दूसरे नजरिए से देखेंगे हमें अच्छाई नजर आएगी। आधा गिलास आधा भरा है आधा खाली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी कतई धर्म विरोधी नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी हो तो राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा पैदल क्यों करें, मानसरोवर की यात्रा क्यों करें, है ना, केदारनाथ बाबा की यात्रा क्यों करें। अच्छा मैं सारी बात आपकी मान लेता हूँ, अगर क्या दिक्कत है कि ये प्रियंका जी और राहुल जी आके बयान ये दे दे कि भाई हम विरोध में नहीं है, इसकी बात खत्म हो जाएगी। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये एक प्लान है, षड्यंत्र है इसको वो करने का, तो वो फॉइल हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उसके विरोध में हो ही नहीं सकते हैं। नहीं मतलब पक्ष में बयान दे दें कि हम गीता प्रेस को दिया गया उसका विरोध नहीं करते। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं फिर कह रहा हूँ, एक नेता है जिन्होंने कहा गीता प्रेस गलत है, ठीक है, या एक गीता प्रेस को सम्मान देना ठीक नहीं, ओके। एक दूसरा मैं भी तो हूँ ना, हम कह रहे हैं कि गीता प्रेस को सम्मान देने में कोई दिक्कत नहीं, गीता प्रेस ने एक अच्छा काम किया है, गीता प्रेस से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। तो आप जो गीता प्रेस के विरोध में बयान है उसको तो कांग्रेस का अधिकृत बयान मान रहे हैं, और जो मैं पक्ष ले रहा हूँ मेरे बयान को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। अब ले लिया आपके बयान को, हमें दे दिया। नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमें वास्तविकता पे रहना चाहिए, ना मेरा पक्ष लीजिए ना दूसरा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप तो विरोध में नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी विरोध में, पुरस्कार दीजिए। एब्सोल्युटली, और ये एक अच्छा काम है। और मैं ये कह रहा हूँ जयराम जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है। अच्छा अच्छा, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी किसी भी बयान से जिसमें किसी धर्म को की भावनाओं को या धर्म के किसी मानने वालों की भावनाओं को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसी बयान के साथ कभी खड़ी नहीं रही है न कभी खड़ी रहेगी। दोस्तों ये आपका धन्यवाद आचार्य जी। दोस्तों ये थे प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि कांग्रेस ना तो हिंदू विरोधी थी, ना है ना होगी, और ये तो बीजेपी का एक षड्यंत्र है कांग्रेस को हिंदू विरोधी घोषित करने का, मौके तलाशती रहती है। जहां तक जयराम रमेश और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयान है गीता प्रेस के विरोध में, तो उन्होंने कहा कि ये उनका अपना बयान है, हम तो इसका समर्थन करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि अगर गीता प्रेस जैसी संस्था को पुरस्कृत किया गया है। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।